जी, एक सामान्य धारणा है कि ये भूत प्रेत जिन्न ये कुछ होता नहीं। लोगों से पूछो कहेंगे ये अंधविश्वास है। मैं भी मानता हूँ कुछ हद नहीं तक। आए तो, लेकिन अब ये कि प्रत्यक्ष में देखने के लिए जो जैसे पावर का भूत है जी, कुछ सख्त भूत भी, ऐसा नहीं सभी को परेशान करने वाले, कभी पर किसी नहीं, को नहीं पहले सवाल है परेशान कि क्या भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, आए आपने कभी तो। देखा है? हमने देखा है, हम जो है द्वारका से चले बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहे शिव नारायण, वहाँ पे जो है एक संत रहते हैं शिव नारायण में, उनसे मिलने के लिए तो रास्ते में अंधेरा हो गया, तो ट्रेन से देखा कि एक तालाब और मंदिर है, तो आगे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो हम रुक गया, फिर वहाँ से पीछे आया तो उस तालाब के पास हम गया, तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर था और एक पंडित जी पूजा करने आते थे, वो मतलब उनको बनिया का वो तालाब था वो एरिया, तो वहाँ पे वो दीपक उपक जलाए और जाने लगे, तो कहा महाराज जी आप घर चले, आपको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि गांव से दूर था, वो जी रेलवे लाइन के बगल में ही है, लगभग 500 मीटर थोड़ा दूरी पे, तो वहाँ पे हम रात में रुक गया, दीपक जलाया मंदिर में और उनसे कहा कि थोड़ा हमें तेल ला के दे दीजिए, अब भोजन हम आज तो कर चुका है, आज नहीं करेगा, गांव में हम जाता ही नहीं है, गांव के अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं करता, तो वहां पे एक शिव मंदिर के सामने समाधि मतलब चबूतरा टाइप में बना था, हमें क्या मालूम उसमें कोई नेम प्लेट भी नहीं लगी थी, तो वहां पे हम भी अपना आसन लगाया, तो अपना नियम है कि कहीं आसन लगाया तो पहले ये बोला उससे कि भाई कोई है तो अपना बता, नहीं तो हम आसन लगा के दंडवत करता है उसको, क्योंकि देवस्थान तो हर जगह है, और एक नियम होता है कि किसी भी हर स्थान में स्थान देवता होता है, स्थान देवता के नाम से उसको बुक किया जाता है संकेतिक, तो वहाँ कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ, तो अपना आसन लगा के हम लेट गया, तो लगभग 11 बजे के बाद एक आया और रात में बोला रात में कि उठो कौन हो, ये हमारा घर है, ये क्या कोई व्यक्ति था शरीर में था? नहीं, हाँ उस समय तो शरीर में नहीं था जब आवाज आवाज आई, आवाज आई। हाँ तो बाद में उसने हमने कहा भाई आप कोई भी हो, जब हम लेटा तब क्यों नहीं मना किया, हम तो साधु है, साधु आसन लगा लिया तो जब उसकी मर्जी आएगी तभी उठेगा, तुम्हारा लेके नहीं जाएगा, जी तो उसने कहा नहीं तो ये हमारी समाधि है, ऐसे उसने बोला, जी तो वार्तालाप होते होते तो हमने कहा तुम्हारी समाधि है, तुम्हारे घर में हम आए हैं तो कुछ खिलाओ पिलाओ, पानी मतलब ऐसे खिलाओ, बात हो रही है जैसे मेरी आदमी मेरी और आपकी बात हो रही है। आपकी हमारी बात हो रही है, जी फिर हम उठ के बैठ गया जी, तब वो शरीर धारण कर लिया, अच्छा पहले तो डरावना रूप दिखाता है, वेद का ये नियम है कि पहले भयभीत करेगा जी, और जब आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि अपने अंदर तो गुरु ने सिखाया कि भूत एक भय है जी जी और भूत ही ईश्वर है जी ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अगर हमारे अंदर सभी कहा रहे, तुलसीदास ने लिखा कि सी आराम जग जाना, जी तो जब भूत आए तो पेड़ आए तो कोई भी आया जो आवाज दे रहा है बोल रहा है तो वो ईश्वर हो सकता है, रात 12 बजे कौन आएगा, मनुष्य भी आया तो वो भी उसको भी दंडवत करो, जी तो फिर बाद में वो साधारण मतलब मनुष्य का शरीर धारण किया और उसके बाद उससे हमारी वार्तालाप हुई आमने सामने बैठ के। बैठ के नहीं, वो खड़ा था हम बैठा था उसकी समाधि में, ठीक है, और वो खड़े आप यहाँ क्यों लेते हैं, हम बताया उसको पूरा कि ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसा आया यहाँ पे, फिर हमने देखा दूर से तो मंदिर दिखाई दिया तालाब था, हमने कहा शाम हो गई इसी मंदिर में रात रुकता है सुबह चला जाएगा जी, तो उसने उससे हमारी वार्तालाप हुई, हमने कहा भाई तुम्हारा घर है तो हम तो अतिथि है कुछ खिलाओ पिलाओ, तो उसने हमें आधा किलो पेड़ा ला के दिया, फिर पानी मांगा तो एक बाल्टी पानी लाया, तो हमारे मन में भी ऐसा सवाल उठा कि अगर ये आप मनुष्य है कि पानी भयभीत मतलब एक भूत प्रेत वाला पानी होगा तो शायद कल ना फैले, ऐसा भी होता है, तो पानी को खूब गिराया, तो जब हम सुबह उठा तो पानी पूरा गीला ही गीला था, ठीक और पेड़ा खाया, तो फिर उससे हमारी जब वार्तालाप हुई तो उसने कहा हम क्षत्रिय है, रण विजय सिंह उनका नाम था, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके माता पिता खत्म हो चुके थे, उनके भाई और भाभी भी खत्म हो चुकी थी, उन्होंने वो जमीन को बेच दिया था एक बनिया के हाथ में जी, तो जो वो बाहर उस समय चले गए थे जी, तो जब वापस आए तो बनिया से जमीन लेने के लिए कोशिश किया तो बनिया उनको मर्डर करवा दिया, अच्छा
उनकी आत्मा हो गई, तो वहीं पे उनकी समाधि पर, उसी स्थान पे उनका मर्डर, हाँ उसी स्थान पे। तो जब वहीं पे उनके समाधि बना दिया उनके कुटुंब परिवार वालों ने, तो वो ठाकुर जब मरता है ना अगर भजन करने वाला, तो जिन्न बनता है। हाँ, और अगर ठाकुर मांसाहारी और तामसी है तो जिन राक्षस बनता है। इनकी दो क्वालिटी है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर सात्विक विचार का है, मतलब सत्य में रहने वाला, मांस मदिरा नहीं करता, पूजा भजन करता है, तो उसकी अकाल मृत्यु होती है तो ब्रह्मदेव बनता है जी। और अगर वो खान पान में डिस्टर्ब है, तामसी है, राक्षस पीड़ित है, तो ब्रह्म राक्षस बनता है अकाल मृत्यु के बाद जी। तो वो उन्होंने हमारे उनकी वार्तालाप हुई, तो हमने कहा भाई आप अपना उद्धार बता दीजिए अगर कोई हो तो, कहा आप साधु हैं हमारा कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया भी कि आप गया जाइए ऐसा ऐसा करना, तो पूरी विधि बताई। हाँ पूरी विधि बताई उन्होंने, फिर हम उनका उद्धार भी किया, प्रेत से मुक्ति। तो दोबारा वहाँ गए देखने? हाँ दोबारा गया, तो कभी नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। और एक दो घटनाएं बताइए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, अविश्वसनीय लगता है, लगता है कि ये किताबों की कहानियां हैं। नहीं नहीं किताबों की कहानियां नहीं है। एक बार हम और एकादशी गिरी थे, तो जो है अहमदाबाद आए, कहाँ से, सोमनाथ जी से जी, दो संत थे साथ जी, में जी, जी। तो पीपल के वृक्ष के नीचे लेते थे, तो वहाँ भी कच्ची समाधियां बनी थी, एक बाल रूप की थी और एक बुढ़ा बाबा व्यक्ति था जी। तो उनका हमारे दोनों के साथ भी ऐसा हुआ क्या कि वो खड़े हुए, यहाँ क्यों लेटे हो, पहले डरवाया, वही आवाज आई, पहले आवाज आई, लेकिन उसमें एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ और एक व्यक्ति सामने नहीं आया, किसी अच्छा। शरीर पे नहीं आया ठीक। और उनसे वार्तालाप हुई। एक बार कांतानाथ जी ने पैकर्मा हम लग रहा था चित्रकूट में जी। तो रात हमारा नियम था 41 दिन का, हमने संकल्प लिया था कि 11 पैकर्मा प्रतिदिन लगाएगा। 41 दिन का कोई खास महत्व है क्या? 41 दिन का एक कलयुग में कहा गया है 41 दिन की तपस्या में पूर्ण हो जाता है ठीक। जो मांगता है वो मिल जाता, मिल जाता ठीक। तो 41 दिन एक कोई मान के चलिए कि 41 दिन का एक संकल्प है ठीक। तो वहाँ पे भी हम पैकर्मा लगाते थे 11 पैकर्मा प्रतिदिन, 24 घंटे में 11 पूर्ण होने चाहिए। तो लगभग 15 या 18 दिन बीता होगा, उसके बीच में रात में 12 बजे का टाइम था, तो तुलसी महल से और भरत मिलाप के बीच में एक संत गौमुख है पहाड़ी के नीचे, जो कामतानाथ का पर्वत है, ऊपर से देखा एक चित्रकूट में, हाँ एक आत्म शरीर उतर रही है, उसकी गर्दन नहीं है ठीक। और उतरी और सफेद वस्त्र में थे जी, कुर्ता और धोती पे जी। और आगे आगे चले जा रहे हैं पैकर में, तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ा। तो जब आपको डर नहीं लगा? नहीं डरा, तो डरने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि डरने में पहले ही जब गुरु बता चुका कि जो भी मिले वही ब्रह्म है। तो यानी कि आप कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई किसी रूप में आ जाए, आपको भय नहीं लगता? कोई सवाल नहीं। जब शेर को बता दिया कि अगर शेर सामने आ रहा है तो साष्टांग दंडवत कर दो, तो शेर भी सूंघ कर वापस चला जाता है, तो फिर डर किस बात का? अब फिर हम तो मर चुका जी, हमारे संस्कार हुए उस समय, सब मरने के होते हैं साधु बनने के टाइम, साधु बनने के टाइम में, तो जिंदा भूत तो खुद ही टहल रहा है, तो मूर्छा को क्या डरेगा? एक तो आप 5 तत्व का, वो 3 तत्व का, वो हमारे ऊपर कैसे हावी होगा? उनमें कौन सा तत्व नहीं है फिर? उनमें कौन? उसमें जल नहीं है जी, और पृथ्वी नहीं है? पृथ्वी नहीं। अच्छा ठीक है। वायु तो वो हाई है खुद, वायु तो स्वयं है, वायु तो खुद है जी। तो फिर क्या हुआ? ये जो कामतानाथ जी, कामतानाथ के मतलब उस वहां से गौमुख के पास से उतरे, अब आगे आगे वो पैकर्मा लगा रहे हैं, पर हम भी उनके पीछे पीछे। कितने बजे की बात है? रात 12 नेट 12 बजा ठीक ठीक ठीक। और जब वहां से हम आया, ये एक हनुमान जी का स्थान है वहीं पे जी, उनको कहते हैं वो क्या भूल गया, देखिए लक्ष्मण पहाड़ जो कोई के आगे है जी जी, बताएं बताएं आगे। तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है जी, पुराना मतलब जमीन से प्रकट हुए उनको कहते हैं। तो वहाँ पे जब आए तो वो भी अंदर दर्शन करने गए, हम भी गए, पैकर्मा लगा के बाहर जब निकले तो अब वो कुछ बोले नहीं हमसे, अब उनके पीछे पीछे पैकर्मा लगा के आए, तो जहाँ गौमुख था वहीं पे ऊपर चढ़ गए। मगर ये क्या प्रेत थे? नहीं नहीं संत थे। तो संत ऐसा रूप धारण कर सकता है जिसमें? बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसलिए कि उनको कोई पहचान न पाए, वहाँ की लोकल पब्लिक जो मान लो शुरू में जब बाल अवस्था में ऊपर चढ़ते थे या वहाँ रहते थे, तो उनके सामने के बुढ़े लोग तो होंगे,
तो उनका खाना पीना कैसे होता है? नहीं, वो तो हवा खा के रहता है, वो तो महापुरुष लोग हैं जिनको कुछ ब्रह्मलीन जिसे कहा गया, लेकिन वो कामतानाथ का पर्वत का परिक्रमा महत्व बहुत बड़ा रखता है, इसलिए वो प्रतिदिन रात में लगाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा क्या है कामतानाथ का, ऐसा क्या महत्व है? कामतानाथ राम ने स्वतः अपना घर बताया है और ये का चिंता मुक्ति का धाम है। तो और कामतानाथ का मतलब है काम, मन की कामना की पूर्ति करना। जी, तो राम वहाँ के कितने साल रहे थे? 12.5 साल। 12.5 साल वनवास कितने साल? 14 साल का था ना? 14 साल। 12.5 साल यहीं वो कर दिया, यहाँ बिता दिया, बाकी थोड़ा दिन रास्ते में बिताया, बाकी 1.5 साल में सारा युद्ध किया। तो सारा जो भी रामायण जो मुख्य घटनाएं वो सारी 1.5 साल की हैं? हाँ, 1.5 साल की। हाँ ठीक, जी जी। 12.5 साल पूर्ण कामतानाथ जी में थे। कामतानाथ का मतलब 84 कोस में है जी, भ्रमण 84 कोस में किया, लेकिन 5 कोस का वो परिक्रमा है जिसमें मेन महत्व तो जहाँ पे भरत जी आए, जनक जी आए, कौशल्या जी आए, जहाँ पे भरत मिलाप बना है वो स्थान पे वो घास फूस की कुटी बना के परमानेंट वहाँ पे निवास किया। लक्ष्मण जी लक्ष्मण पहाड़िया में रह के अयोध्या की भी रक्षा करते थे और यहाँ राम जी भी वो कभी सोए नहीं। जी जी जी। और ऐसे कोई साधु महात्मा से मिले हैं पहुंचे हुए फकीर से, या रात में ऐसे कोई और एक दो घटना बताएं? लोग बड़े उत्सुक होते हैं, मैं भी उत्सुक हूं। जैसे सिंधी नारायण कोई चला जाए वहाँ पे गुफा के अंदर रहते हैं और 5-10 मिनट के लिए निकलते हैं सूरज की रोशनी लेने के लिए, वहाँ तो मेला ही लगा रहता है, लेकिन जब अंदर घुस जाएंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते, खाली झांक के देख सकते हैं कि संत बैठा है। जूनागढ़ जाइए वहाँ पे गुफाओं में बहुत से बड़े बड़े पुराने साधु पड़ा है, जैसे प्रत्यक्ष में देखने में काश्मीरी बापू है, 350 वर्ष के होंगे जूनागढ़ में। हाँ, जूनागढ़ में। तो इसका सार ये हुआ कि हम चूंकि हम भूत प्रेत की बात कर रहे थे, जैसे आप भूत जाइए, भूत में एक समाधि है बक्सर की, वो जमीन में नहीं है, वो उसमें पालने में लटक रही है और नीचे उनका धुना है। जी, तो इसका ये अर्थ हुआ जो हम लोग चूंकि भूत प्रेत की बात करें कि ये भूत प्रेत से डर तभी है जब आपके अंदर भय हो, भय हो, वरना अगर उनमें अगर उनको भी आप श्रद्धा से प्रभु का रूप मान लें क्योंकि सब तो प्रभु का ही रूप है। और कामतानाथ 4 भाग में बंटा हुआ है। जी हाँ, 4 नदियां हैं उसके अंदर। जी जी। तभी तुलसीदास ने लिखा है एक चित्रकूट चित चार, चित्रकूट चिंता हर, उसके 4 मुखार बिंद है और 4 भाग में बना है, अलग अलग है, वो देखने में लगता है एक पर्वत है 5 किलोमीटर का, लेकिन उसको 4 भाग में ऊपर है क्योंकि हम ऊपर गया है। जी जी। ऊपर गया तो एक संत समाधि में रहते हैं और उसके अंदर ताला बंद रहता है, वहाँ बड़ा सोना खजाना भरा, हमको वो दिखाया भी और फिर वापस भेज दिए। जी जी। क्योंकि हम तो बचपन से यही चीज ढूंढता है। जी, जी। आज तक घर नहीं बनाया। जी जी। कहा भी कहीं 1 घंटा 2-4 दिन था, कहीं कहीं 1.5-2 साल था जहाँ धूप और बारिश सब हमारे ऊपर हुआ, बाद में कुछ मंदिर भी बन गया, फिर उसको छोड़ दिया। जी जी। जैसे भुज है, ललितपुर है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इस वीडियो का जो टाउन एरिया है वहाँ पे भी मंदिर बनाया, फिर छोड़ दिया। जी जी जी। तो समझ गया मैं, इसका ये अर्थ है कि मतलब भय को समाप्त किया जाए किसी प्रकार, भय का ही भूत है, भय का ही भूत। जी नहीं, वही ईश्वर है, पूर्ण आपको दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। जी जी। और आप भयहीन नहीं हो तो आपका कोई नुकसान भी नहीं, नहीं, नहीं आपको आपका फायदा, खाली उसका आप चाहे प्रभु आए वो भी पहले आता है तो थोड़ा डराता है। जी हाँ, कि कितना ये मुझे मतलब सबको राम समझता है कि खाली राम को ही राम समझता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जी जी। अलग नहीं है, जीव अविनाशी, शिव का ही अंश सभी है। जी। वो शिव जो शंकर ये मंदिर बने हैं इनके नहीं। जी जी। वो लीन रहता है, एक स्थिर, न इधर आता है न उधर जाता है, बिना नाक कान कुछ नहीं है, लेकिन हमारी सारी बातों को सुनता है, निराकार है, निराकार। जी जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद।